हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विंटर्स में हमें कौन कौन से फेशियल्स करने चाहिए। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो आपको कौन से फेशियल्स करवाने हैं, या अगर आप आपका खुद का पार्लर है तो आपको कौन से फेशियल्स रखने हैं विंटर्स के हिसाब से, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होती है तो स्किन आपकी पैची हो जाती है जब, क्योंकि उस पर वो जब खिंचती है स्किन तो उस पर पैच आता है, और पैच किस कलर के आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि विंटर्स में आपको मॉइस्चराइज रखनी है अपनी स्किन, कि उस पर कोई ड्राइनेस ना आए, रिंकल्स का इफेक्ट ना हो। तो हम कौन कौन से फेशियल्स यूज़ करेंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं वो है O3 का प्रोडक्ट। O3 के जो फेशियल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो O3 की वाइटनिंग किट यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये एक तो ऑयली बेस होती है और बहुत ही सॉफ्ट रखता है आपकी स्किन, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देता। ये ऑल स्किन टाइप्स है, किसी भी स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं बाई चांस मेरी भाई इस मौसम में मेरे को फिर भी ऑयल आ रहा है मेरी स्किन पे, बट लेकिन क्या है, आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हो इस किट को। इसके साथ आप मास्क उनको दे सकते हो, एक मास्क इसके अंदर आता है, वाइटनिंग मास्क आता है। उसके अलावा अगर आप और सॉफ्टनेस के लिए देना चाहते हो तो रबड़ मास्क आता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे पहले, अगर बहुत ज़्यादा आपके स्किन पे टैन आ रहा है तो टैनिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सीरम के साथ आता है, इसी के अंदर सीरम भी होता है। क्या क्या प्रोडक्ट आता है इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्लींजर आता है, टोनिंग, मसाज, प्रिपेयर क्रीम होती है इनकी, और रिपेयर, वो भी एक टॉनिक होता है। उसके बाद आप रबड़ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। O3 किट की जो MRP है वो है 4370, और आप 4000 तक में ये अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। बट लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट, और ओरिजिनल ही परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है लोटस रेडियंट गोल्ड। सी, इसमें आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये लोटस हर्बल वालों का प्रोडक्ट है, रेडियंट गोल्ड, और ये 1000 तक की रेंज में अवेलेबल होता है। और इसमें चार चीज़ें आती हैं, एक तो आपका क्लिंजर, एक्टिवेटर, क्रीम एंड मास्क। तो ये विंटर्स में बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है आपकी स्किन, तो सेकेंड आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम सारा प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं, ये पूरा एक प्रोफेशनल किट आता है, ये अलग अलग जार्स में ही आता है, ऐसे आपको बॉक्स में ये नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सैशे में मिलेगा, छोटे छोटे जो पैक आते हैं, पर हम लोग पार्लर पैक्स ही परचेज करते हैं, और वैसे जार्स में आता है। इसका स्क्रब भी, क्रीम भी और मास्क भी ऐसे आता है। अगर क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा टैन है तो आप खाली इसके टैन वाला मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं, और बट लेकिन ये जो प्रोडक्ट है सारा का, ये एक्स्ट्रा अगर आपके फेस पे टैन है तो यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में बैठते हैं तो सनबर्न हो जाता है, तो उसमें आप इसको प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। बट लेकिन ये प्रोडक्ट कई बार क्या होता है, थोड़ा सा स्किन पर लगता है क्योंकि इसमें क्लोव है, क्लोव मीन्स लॉन्ग है इसके अंदर, तो कई बार कई क्लाइंट्स को थोड़ा सा इससे ईचिंग होती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेशियल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वाइन कर सकते हैं, ब्लॉसम कोचर की जो प्रोडक्ट है उसका पर्ल है, डायमंड, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज जो बाकी ब्रांड्स के लाइक अरोमा हो गया, इनके पर्ल ले सकते हो, डायमंड फेशियल ले सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। जो डी टैन वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो वो थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होता है, या ऑक्सी होता है, थोड़ा सा ड्राई होता है, और वाइन हो गया, और ये सब जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं विंटर्स के हिसाब से। बट लेकिन कोई भी फेशियल कराने से पहले आपको ब्लीच इम्पॉर्टेंट है, और ब्लीच क्या है कि अगर आपके फेस पे बहुत टैन है तो पहले उसको रिमूव करेगी, टैनिंग के बाद ही आप जो भी फेशियल कराएंगे उसका रिजल्ट आएगा। बट लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो फेशियल है आप महीने में सिर्फ एक ही बार ही लें। अगर बहुत इमरजेंसी में कहीं आपको जाना है तो आप 20 डेज के अंदर आप क्लीनअप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत अर्जेंटली जाना है और आपको लग रहा है कि हल्की सी मेरी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज होना चाहिए तो आप क्लीन अप ले सकते हैं। और
इसी हिसाब से आप ये अगर आप विंटर्स में ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। 20 डेज के अंदर आप क्लीन अप ले सकते हैं, अगर आपको बहुत अर्जेंटली जाना है और आपको लग रहा है कि हल्की सी मेरी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज होना चाहिए, तो आप क्लीन अप ले सकते हैं। और इसी हिसाब से आप ये अगर आप विंटर्स में ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।